नाज़रीन, बिलावल के साथ एक लड़की बैठी होती है लाल रंग का सूट पहने। अचानक एक हवा का झोंका आता है, बिलावल उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं। आपने कहा कि हवा का झोंका आया, वो हवा का झोंका नहीं सी, वो ब्रिज सी। इंटरव्यू करने के लिए टास्क मिला था तो लाला मूसा में वो मौका मिल गया। लड़कियां नु ठंड नहीं लगी। फैमिली रिलेशंस है जिस वजह से इतना ज्यादा पीक पे ये बात पहुंच गई। पार्टी के लिए कुर्बानी दी अपनी जान, इस पार्टी की खातिर जो है वो दे दी। मैंने उन्हें बताया कि मैं शफीक गोगा शहीद की बेटी हूँ जो आपकी वालदा के साथ शहीद हुए, और वो इतना ज्यादा खुश हुआ और उसने लाइक अप्रिशिएट किया, थैंक यू कहा, और ये भी बोला कि आपने आगे हमारे साथ चलना है। जिन हौसलों से मेरा जनून मुतमइन ना था, वो हौसले जमाने के मायार के हो चुके हैं। पाकिस्तानी जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन, बिलावल जो है अपना मार्च लेके इस्लामाबाद को जा रहे थे, कंटेनर के ऊपर बैठे हुए थे कि एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कंटेनर पे बिलावल के साथ एक लड़की बैठी होती है लाल रंग का सूट पहने। अचानक एक हवा का झोंका आता है, बिलावल उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, लड़की हैरान हो जाती है। उसके बाद क्या कन्वर्सेशन होती है, वो लड़की कौन थी, हम उस लड़की को आपसे मिलवाने जा रहे हैं। वो लड़की है मायरा हाशमी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं आप कंटेनर पे पहुंची कैसे, वहाँ पे कोई पहुंच ही नहीं सका, बिलावल के पास पहुंच गई। अच्छा, आपने कहा कि हवा का झोंका आया, वो हवा का झोंका नहीं सी, वो ब्रिज सी। उस वजह से झुकना पड़ गया था। और बेसिकली मेरी बीट है पीपल्स पार्टी की, और इंटरव्यू करने के लिए टास्क मिला था तो लाला मूसा में वो मौका मिल गया। अच्छा। और उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जैसे ही कंटेनर पे गई और अल्लाह की तरफ से बस इंटरव्यू शुरू होने ही वाला था। अच्छा। कि आगे ब्रिज आ गया तो बिलावल ने कह दिया डाउन डाउन। अच्छा। तो जैसे ही डाउन डाउन कहा है तो उसने शोल्डर पे हाथ नहीं रखा बल्कि बस ऐसे ही किया उसने, अभी अच्छा। पूरा रखा नहीं। अच्छा। लेकिन लोगों की जानिब से वो खैर रख दिया गया, और उसमें उसने सिर्फ ये कहा था कि एक प्रोटेक्शन दिया एक लड़की को। और मेरा जो बातचीत उससे चल रही थी वो कुछ फैमिली रिलेशंस है जिस वजह से इतना ज़्यादा पीक पे ये बात पहुंच गई। लेकिन लोगों ने जो मीम बनाई है, जिनने सब तो पहली मीम बनाई होता अल्लाह ही पला करेगा। यानी कि आपको वायरल कर दिया उसने? हाँ, वायरल कर दिया है, और कुछ नेगेटिविटी भी देखने को मिली। हाँ। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरा एक सक्सेस है। जब उन्होंने कंधे पे हाथ रखा है, आप अपने ख्याल से लगे, हवा भी चल रही थी ना, देख नजर आ रहा था कि हवा चल रही है, तो आपका रिएक्शन जो था वो थोड़ा स्ट्रेंज था कि ये क्या हुआ है। मैं बेसिकली कैमरामैन की तरफ देख रही थी और लोग बिलावल से बातें कर रहे थे, और मुझे सिर्फ ये था कि मेरा जल्द से जल्द इंटरव्यू कंप्लीट हो जाए। और कुछ साउंड वगैरह वो उनके तराने लगे हुए थे, पार्टी तराने, और अब आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ऊंचा बोलना पड़ा था। अच्छा। तो इस वजह से कुछ तो हवा भी चल रही थी, कुछ ब्रिज आगे आ गया, और जो मेरी कन्वर्सेशन उसके साथ बिलावल भाई के साथ जो चल रही थी वो। ये आपको बिलावल भाई क्यों कहना पड़ गया? बिलावल पहले भी मेरा भाई था क्योंकि मेरे अबू ने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी दी है तो उन्होंने मुझे सबसे पहले, मेरे अबू का नाम मोहम्मद शफीक गोगा शहीद है, और जब वो शहीद हुए तो उसके बाद ये हमें स्टैंड लेना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। जाहिरी बात है मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती है, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी अपनी जान, इस पार्टी की खातिर जो है वो दे दी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे हमारा भी काम बनता है कि हम अपनी पार्टी के साथ वफा करें, और उन्होंने हमें हमेशा एक ही मैसेज दिया है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अपनी पार्टी के साथ वफा करनी है, कभी दगा नहीं करनी, वफादारी करनी है। जो आपकी वीडियो है वो एडिट तो नहीं की गई, जो मीम बनी है, क्योंकि जैसे उन्होंने हाथ रखा है, आपने उनकी तरफ देखा है, पीछे गाना चल रहा है, एक फिल्मी सीन चल रहा है, जैसे कोई आशिकी मशूकी वाला सीन है, क्योंकि लोगों ने इस अंदाज से पेश किया, उसमें कोई एडिटिंग तो नहीं है? बाद में आप लोग दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो क्या थी? पाकिस्तानी जिंदाबाद। क्योंकि ये गुण और ये हुनर जो है सिर्फ पाकिस्तानियों के पास ही हो सकता है, और उसमें कोई आशिकी मशूकी वाला सीन नहीं था, उसमें एक जनरली बात हो रही थी, लेकिन उसको जिस तरह एडिट किया गया, जो एक नया रंग दे दिया गया, एक मीम बना दी गई, वो लाजवाब ही बना दिया देखने वालों ने, और हमने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। लोगों ने बहुत गलत कमेंट्स भी किए हैं, तो अब उन्हें मैं क्या कहूँ, बस भी पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में, और मैं जब तक हूँ और जब तक मेरी आखिरी सांस है ये पीपल्स पार्टी के लिए है। और पीपल्स पार्टी की इतनी गुनगा तो रही हैं, एक बंदे ने कमेंट किया है कि बिलावल इंटरव्यूज दे दे के थक गए थे, उसने लड़की को बोला चल कुड़िये तेरा स्टाफ आ गया।
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने बड़ा अच्छा टाइम जो है ऊपर जब हम लोग ट्रक पे गए बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और बहुत कुछ बातें सीखने को मिली और उनके साथ डिस्कस करके मुझे पता चला बहुत नफीस इंसान है बिलावल और ये यकीनन आगे जाके एक मंजा हुआ भुट्टो की तरह सियासतदान बनने वाला है। मुझे ये बताएं कि वो पहली दफ़ा ऐसे निकले बाहर पब्लिक में ना, इतना बड़ा मार्च लेके सिंध से वो चले इस्लामाबाद पहुंचे, वीडियो में लग रहा था कि उनको सर्दी भी लग रही है, वो थोड़े थोड़े कट्ठे हो रहे थे। और हम लोग अपना पहला फैशन को प्रायोरिटी पहले देते हैं फिर उसके बाद दूसरा काम और इंटरव्यू अच्छी तरह कर लो बाहर जो ठंड लगती रहे वो खैर है। फिर आपकी सिटिंग कितनी देर हुई बिलावल के साथ, कब आप वापस उतरी कंटेनर से? तकरीबन 10 मिनट मैंने लिए थे उनसे इंटरव्यू के लिए और 10 मिनट से पहले मैंने बताया कि मैं वैसे तो पहले भी काफ़ी मर्तबा मुलाकात हुई जर्नलिस्ट के तौर पे और जब मैंने अपने चैनल न्यो की तरफ से इंटरव्यू किया तो तब मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं शफीक गोगा शहीद की बेटी हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी क़यादत भी होती है जो आपको फ्रंट पर नहीं देख सकती, बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं शफीक गोगा शहीद की बेटी हूँ जो आपकी वालदा के साथ शहीद हुए और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ और उसने लाइक अप्रिशिएट किया, थैंक यू कहा और ये भी बोला कि आपने आगे हमारे साथ चलना है और आपने अपना रابطہ जो है वो हमारे साथ कायम रखना है, इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है, तो होप फॉर द बेस्ट। वीडियो के बाद ये वीडियो बिलावल तक पहुँची है, पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन तक पहुँची है? मुझे बिलावल हाउस से वीडियो सबसे पहले मिली है। अच्छा, आपको वहाँ से आई? मुझे बिलावल हाउस से पहले ये वीडियो देखने को मिली और मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई देख के कि भाई ये हो क्या रहा है। देन जिसने भी लगाई है मिलियंस क्रॉस करती जा रही है, मतलब इस महीने की सैलरी तो उन्होंने कितने पहुँचा देगी। जो मीमर्स हसरात हैं उनकी तो चांदी हो गई है। हाँ बिल्कुल, और मेरी फैमिली नहीं, मेरे रिलेटिव, मेरे कजन्स और ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानती उन लोगों ने भी मुझे वीडियो वो शेयर नहीं की। उस वीडियो में ऐसे रंग दिया जा रहा है कि जैसे कोई इनका सीन है, मतलब कि हवा चल रही है, वो आपको नीचे कर रहे हैं, पीछे गाना लग रहा है, पूरे फिल्मी सीन लग रहे हैं। इसके बाद आपने क्या सोचा, आप क्या सोचती हैं और आगे क्या सोचेंगी? कहते हैं ना कि जिन हौसलों से मेरा जुनून मुतमईन ना था वो हौसले ज़माने के मयार के हो चुके हैं, तो मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है और उसको अचीव भी करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पार्टी के लिए आगे मैदान में आऊँगी और पंजाब की तो सारी यूथ नू नाल रलाना है मैं। नाज़रीन कुड़ी का हौसला बहुत सख्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप तो हैं ही पहले छोटी सी, उन्होंने आपको नीचे क्यों करना था, ब्रिज आ रहा था, उनको मसला होना चाहिए था? उनकी हाइट एक तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो मैं नहीं कर रहा लोग कर रहे हैं, आपसे क्लियरेंस चाहिए हमें। बेसिकली बिलावल की हाइट जारी बात है लंबी हाइट है, अपने वो नाना अबू पे गया है तो उसने मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन दिया है कि भाई नीचे झुक जाओ कि मुझे लग ना जाए ऊपर ब्रिज, उसने सिर्फ मुझे नीचे झुका दिया। अब इसमें मैं क्या कर, वो हंस क्यों रहे थे साथ में, वो स्माइल क्यों दे रहे थे? स्माइल क्यों दे रहे थे, बातें अच्छी हो रही थी, बातें अच्छी हो रही थी। और बातें मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने कह दिया फैमिली की बातें, कंटेनर पे बैठ के फैमिली की बातें होनी, इतनी अच्छी आवाज़ चल रही होती है। और मैं की और दूसरी गल्ला कर दी। नहीं नहीं, बिलावल जस्ट लाइक माय एल्डर ब्रदर, जैसे मेरे बड़े भाई है वैसे बिलावल है, तो उनसे मेरी बात यही हो रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है आपको देख के, और अम्मी ने भी हमें यही कहा है कि भाई जो थोड़े अबू ने कहा सी तुहानू तुसी उन्हां दी हमेशा एक गल याद रखनी है कि जीना मरना पार्टी दे नाल है। जिस तरह मेरे अबू ने अपनी पूरी ज़िंदगी पार्टी के लिए वक्त की वफादारी का मुजाहिरा किया उसी तरह हम लोगों ने करना है और हम लोग लौटे बिल्कुल नहीं। ओहो, बिलावल हाउस से पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी तरफ से और जो आपके वालिद की कुर्बानी है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बाद वीडियो में आप नुमायाँ हो गई हैं, उसके बाद आपको भी इशारा मिला है सियासत में आने का? हाँ, इशारे तो मिले हैं और पीपल्स पार्टी चूँकि अवामी पार्टी है और इसका हर कारकुन जो है या जो जाले की बात की जाए वो भी बहुत बड़ा सियासतदान है इस पार्टी में और बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट ख्वातीन को ख़ास तौर पे पार्टी की जानिब से बहुत दी जाती है। और मुझे कहा गया है कि भाई आप इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद में आके काम करें और बिलावल की टीम में भी काम करने का मेरा बहुत ज़्यादा मूड है, आगे मिशन बनाया हुआ है तो उसी मिशन के मुताबिक टारगेट के मुताबिक पार्टी में आऊँगी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, क्योंकि मेरी कुछ अपना भी जो है वो बहुत कुछ सोचा हुआ है अपने लिए और पार्टी के लिए कि किस तरह पार्टी की खिदमत करनी है। अगर आपको कोई नशिस्त दी जाती है कौन सी वजारत लेना चाहेंगी, क्या खिदमत करना चाहेंगे? मैं MPA या MNA के तौर पर ज़रूर मैदान में आऊँगी। वो आगे से कहेंगे पहले वड्डी हो जाए? नहीं नहीं, उन्होंने ऐसी चीज़ ना फर्क नहीं पैंती, कॉन्फिडेंस देख देने वो नाजीन बहुत। जी नाजीन, आपने
मायरा की बात सुनी, ये है वो लड़की जो बिलावल के साथ बैठी हुई थी, हवा चल रही थी, सारा सीन हो गया, रातों रात वायरल हो गई। हमने इनसे बात की और आपको सुनवाया कि असल सीन था क्या। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।